हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवनीश एंड आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। सो ये वीडियो जो है, जो मेरी न्यू बाइक है बुलेट स्टैंडर्ड 350, उस पर बना रहा हूँ मैं। जो मैंने जस्ट रिसेंटली बाइक की है, जस्ट 10 to 15 days हुए होंगे इसको बाइक किए हुए। सो इसमें जो जो मैंने मॉडिफिकेशंस की हैं अभी, सो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने इसमें अभी मॉडिफिकेशंस की हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी मैंने बाइक की है, जो की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम पीछे स्टार्ट करते हैं। जो इसकी बैकलाइट है, ये इस पर मैंने कवर चढ़वाया हुआ है, ये पूरा ब्लैक है और ये स्टैंडर्ड का है। बट ये जो इंडिकेटर के जो कवर हैं, ये स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ये क्लासिक के हैं। स्टैंडर्ड में जो आते हैं वो प्योर ब्लैक आते हैं, बट मुझे वो अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए मैंने क्लासिक के लगवाए थे। क्योंकि इसमें ब्लैक के साथ साथ क्रोम की फिनिशिंग आ रही है, और क्रोम और ब्लैक, ये पूरी मेरी बाइक वैसी है, क्योंकि एलॉयज पे भी थोड़ी क्रोम की फिनिशिंग आ रही है, तो थोड़ा मैच करता है तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे क्रोम की है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैसे ही है। और साइड में आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने फॉर्म की ग्रिप चढ़वाई हुई है, थोड़ी पकड़ आ जाती है फिर डबल स्टैंड में लगाने में। और यहाँ पे मैंने ग्रिप चढ़वाई हुई है, ये रॉयल एनफील्ड का लोगो है यहाँ पे। और ये मैंने लेग गार्ड लगवाया हुआ है, ये लेग गार्ड है, ये लीडिंग HP इनोवेशन का है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने इसे लगवाया ये वाला। इसमें ये तीन आ रहे हैं। और ये मैंने इंजन गार्ड लगवाया हुआ है, ये क्लासिक का है, स्टैंडर्ड का मेरे को मिला नहीं था, मैंने बहुत ट्राई किया बट बुलेट का मिला था वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने क्लासिक का लगवा लिया। ये हॉर्न है, कंपनी से लगाया हुआ, मैंने इसको नहीं लगवाया कुछ भी। तो अब मैं आगे की साइड आ जाता हूँ थोड़ा। ये हेडलाइट पर भी मैंने कवर लगवाया हुआ है, इसमें भी मैंने ब्लैक और क्रोम की फिनिशिंग वाला लगवाया हुआ है। सो आगे से ऐसे दिखती है, ऐसे पीछे जैसे जब मैंने करवाया हुआ है, आगे भी मैंने ऐसे ही करवाया हुआ है। ये क्रोम की फिनिशिंग है, ये वो क्लासिक के इंडिकेटर कवर्स हैं, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैसी है। और इसका जो हैंडल है, ये ऐसा दिखता है। हैंडल पे मैंने ये वाइब्रेशन रोल लगवाई हुई है, इससे वाइब्रेशन थोड़ी कम हो जाती है, अराउंड 20-30%, क्योंकि अगर आप 100 से ऊपर भागोगे तो वाइब्रेट बहुत करती है बुलेट, तो ये लगवा लो तो बेस्ट है। इस पे मैंने एक कंपनी से लगे लाए कवर हैं। और इस टैंक पे मैंने लैमिनेशन चढ़वाई हुई है, ताकि नई आई है तो चढ़वा लो तो बेस्ट है, न्यू रहती है, क्योंकि कलर फेड हो जाते हैं, ब्लैक जल्दी बहुत जल्दी फेड होता है। इससे मैंने लैमिनेट करवाई हुई है, इससे मैंने स्मोक टेप करवाई हुई है, यहाँ पे लोगो पे भी मैंने स्मोक टेप करवाई हुई है, और हाँ इंडिकेटर पे भी मैंने स्मोक टेप करवाई है, आपको थोड़े ही ब्लैक दिखेंगे। यहाँ पे भी करवाई हुई है, तो थोड़ी अच्छी लगती है लुक पीछे से देखने में। सो मैं आपको इसके एलॉयज के बारे में बताता हूँ। ये जो एलॉयज मैंने लगवाए हुए हैं, ये मैंने कंपनी से लगवाए हुए हैं, जो बुलेट स्टैंडर्ड के साथ जो आते हैं वो स्पोक रिम आते हैं, वो 19 inch के होते हैं। ये जो मैंने लगवाए हुए हैं, ये मैंने 18 inch के लगवाए हुए हैं एलॉयज कंपनी से ही। और जो मेरे पुराने वाले टायर थे, जो मतलब बुलेट के साथ आते हैं, वो मैंने एक्सचेंज में कर दिए थे। तो ये हैं विद टायर, ये जो मुझे पड़े हैं ये अराउंड 16,000 के, जो मेरे पुराने वाले थे वो 3,500 के थे, तो एक्सचेंज में मुझे पड़े अराउंड ये 12,500 के। और इसके टायर के बारे में बता दूँ, इसमें जो आता है वो आता है 100 का, बट मैंने इसे 120 का लगवाया हुआ स्पेशली कंपनी को बोल के, ताकि क्योंकि ना ये स्टैंडर्ड पीछे से अगर आप देखोगे जो कंपनी से लगे लगाते हो, बहुत पतले टायर होते हैं, ये थोड़ा चौड़ा है और अच्छी लगती है पीछे से देखने में, इसलिए मैंने ये वाले लगवाए हैं। बट थोड़ी हाइट कम हो जाती है इसकी, बट देखने में अच्छी लगती है। आगे भी वही रिम है, बट टायर साइज सेम है, सब कुछ सेम है, बस पीछे थोड़ा आपको 1 inch का पड़ेगा, वो 19 का होता है या 18 का पड़ेगा, बट बाइक देखने में अच्छी लगती है जैसे कि आपको दिख रहा है। सो मैं आपको अपनी बाइक का एक लुक दिखा देता हूँ, ये कैसी दिखती है पूरी। सो साइडों से ऐसी दिखती है, फ्रंट से फ्रॉम दिस साइड एंड पीछे से ऐसी दिखती है। सी, चौड़ा टायर लगवाने का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि पीछे से
अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि बाइक वो कंपनी से लगा जो टायर आता है वो बहुत पतला लगता है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पीछे देखने में। और ये मेरे को सिर्फ 15 दिन होंगे और मैं इसको जो चला चुका हूँ वो चला चुका हूँ 1290 किलोमीटर। तो कंपनी वाले भी बोल रहे थे कि भाई इतनी कौन चला देता है इतनी जल्दी। सो मेरे को बाइक बाइक राइड का शौक है तो मैं ले जाता हूँ कहीं भी से। और अभी मैंने जस्ट बाइक की है लाइक 10 to 15 days हुए हैं। सो मैंने जस्ट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की हैं, आगे जो जो मैं करता रहूँगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। सो बने रहिए मेरे चैनल में। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है वो, और मेरी जो पहले की वीडियोस आपने बहुत लाइक की हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आगे की मैं वीडियो जल्दी ही लाता रहूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।